Hello students, welcome to Times of Mathematics YouTube channel. Hello friends, welcome to our YouTube channel Times of Mathematics. आज हम लेकर आए हैं BSc 6M Physics की Electronics Second की Second video. First video में हमने कुछ basic MCQs करे थे, आज उन्हीं को continue करते हैं. तो चलिए देखिए, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है. इससे पहले क्वेश्चन हम इससे पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और ऊपर आपको आई बटन में भी आ रहा होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ICBO फ्लोस फ्रॉम डैश टू डैश व्हेन एमिटर इज ओपन. मतलब कि जब एमिटर ओपन होगा तो ICBO कहां से कहां फ्लो होगा. पहला ऑप्शन दिया है कलेक्टर से बेस, सी टू बी मतलब कलेक्टर टू बेस. सेकंड ऑप्शन दिया है बेस टू कलेक्टर और थर्ड ऑप्शन दिया है कलेक्टर टू बेस. तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, अगर जिसने नहीं देखा है उसको देख ले, तभी भी मैं समझा देता हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमने एक ट्रांजिस्टर बना रखा है, ये हमने बनाया है ट्रांजिस्टर. ठीक है, यहाँ पर हमने एमिटर बना दिया, ये हमने बना दिया बेस और इसको हमने बना दिया कलेक्टर. ठीक है, ये हमारा बन गया है कलेक्टर. तो ये कह रहा है ओपन, तो यहां मैंने बताया था अगर आपको ऐसा दिया हो ICBO तो O का मतलब यहां पर होता है ओपन, और ओपन हमारा इसमें क्या है, एमिटर ओपन, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है. यहां पर हमारा क्या ओपन है, एमिटर ओपन है. ठीक है, अब जो ये करंट फ्लो हो रही है कहां से हो रही है, इसका मतलब सी मतलब कलेक्टर से बेस की तरफ करंट फ्लो हो रही है, मतलब कलेक्टर टू बेस. ठीक है, हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो कलेक्टर से बेस की तरफ फ्लो हो रही है. तो इसी को देखते हुए 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, कलेक्टर टू बेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 11 देखें, यहां पर क्या दिया गया है, ICBO फ्लोज ड्यू टू डैश कैरियर्स. तो देखिए क्या होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं. ए में है करंट, बी ऑप्शन दिया है मेजोरिटी कैरियर्स और सी दिया है माइनॉरिटी कैरियर्स. तो अब देखिए, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं. तो ट्रांजिस्टर अगर हमने एक बनाया, ये हमने बना दिया इसका बेस. ठीक है, ये हमने बना दिया बेस, उसके बाद यहाँ पर हमने बना दिया है आपका कलेक्टर और यहाँ पर हमने बना दिया एमिटर. और क्वेश्चन में पूछा है ICBO फॉलोज और व्हेन एमिटर ओपन. तो एमिटर जब, इसका मतलब ये ICBO का मतलब क्या हुआ, ICBO का मतलब क्या हुआ कि यहां से हमें ऐसे समझ जाना है कि जो एमिटर है वो क्या है, हमारा ओपन है. एमिटर ओपन है मतलब जो यहां पर है, यहां पर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा रखा है. ठीक है, तो यहां पर और यहां पर हमें पता है जो हमारा आउटपुट साइड होता है, अगर हम एक्टिव रीजन की बात करें, क्योंकि अगर आपको कोई भी रीजन नहीं दिया तो आपको मानना पड़ेगा उसको एक्टिव रीजन. तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्टिव रीजन में ये कौन सा होता है, रिवर्स बायस. तो हम यहां पर क्या कर देंगे, रिवर्स बायस लगा देंगे. तो रिवर्स बायस के लिए अगर हम ये ट्रांजिस्टर देखें कौन सा टाइप है, NPN है ना, तो N से N किससे हो जाएगा, रिवर्स बायस में. यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा रिवर्स बायस में. और यहाँ पर आ जाएगा VBC. तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा IC, तो IC यहाँ पर जो फ्लो होगा IC, यहाँ पर हम IC बना देते हैं, इस डायरेक्शन में होगा IC. तो वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, कलेक्टर से बेस की तरफ फ्लो हो रहा है जो यहाँ पर करंट हो रहा है. और ये करंट जो है ICBO यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है, ये हमारा कौन सा करंट है, लीकेज करंट. और जो ये लीकेज करंट होता है ये किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से. ठीक है, जो इसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो इस ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन, माइनॉरिटी कैरियर्स. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. इसमें पूछा है अल्फा डीसी इज डैश, द वैल्यू ऑफ अल्फा डीसी इज. तो इन दोनों ऑप्शन के लिए हमें समझना पड़ेगा अल्फा क्या होता है. तो देखिए, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था, एक बताया था कॉमन बेस, एक बताया था कॉमन एमिटर और एक बताया था कॉमन कलेक्टर. जब हम इन तीनों का एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालते हैं तो इसके लिए निकलता है अल्फा. ठीक है, कॉमन एमिटर के लिए निकलता है बीटा और कॉमन कलेक्टर के लिए निकलता है गामा. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है अल्फा के बारे में, मतलब यहां पर बात हो रही है कॉमन बेस के बारे में. तो कॉमन बेस के लिए हमें पता है कि अल्फा की बात हो रही है और कॉमन बेस है, तो इसका मतलब जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है, ये बेस हो गया, ये एमिटर हो गया और ये हो गया आपका कलेक्टर. ठीक है, तो इसका मतलब जो ये बेस वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, मतलब कॉमन है दोनों के लिए. तो हम इसका अगर सर्किट बनाएंगे कैसे बनेगा, ये बेस वाला पार्ट ऐसे बन जाएगा. ठीक है, ये बन जाएगा हमारा एमिटर, ये हमारा इनपुट साइड हो जाएगा बेस एमिटर और ये हो जाएगा हमारा कलेक्टर.
बेस कॉमन है दोनों के लिए, इनपुट साइड के लिए भी और आउटपुट साइड के लिए भी। यहां से हम लेंगे इनपुट और यहां से लेंगे हम आउटपुट, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो इसका मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगी, आईसी, और इनपुट में हमें क्या मिलेगी, इनपुट हमारी क्या यहां पर आई ही। तो अल्फा की वैल्यू ऐसे निकलती है, आईसी अपॉन आई ही, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हमने अल्फा की वैल्यू देखेंगे। तो इससे पता चल रहा है अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आईसी बाय आई, ना तो आई बाय आईसी भी नहीं हो सकता, ना आईसी बाय आई भी। तो देखिए अब ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो आपने देख लिया कि इसका पहला पार्ट सही है, तो इसका मतलब ये दूसरा भी सही होगा। अगर कई बार ऐसा हो कि पहला पार्ट ना दिया हो, डायरेक्ट दूसरा पार्ट पूछा गया हो, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है जो आईसी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई बी प्लस आईसी, ठीक है। मतलब आई जो हमारी आई ई की वैल्यू होगी वो आई बी प्लस आई सी होगी, मतलब जो आई ई होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो आई ई सबसे बड़ा होगा, तो आपको पता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो इसका मतलब जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमेशा वन से छोटी आएगी। तो यहां पर हमारा क्या होगा, इसकी जो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अल्फा डी सी इज लेस देन वन, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 12th का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लार्जर द थिकनेस ऑफ बेस डैश द वैल्यू ऑफ अल्फा डी सी, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पहले समझा चुका हूं लास्ट वीडियो में। तो देखिए अब ये क्या पूछ रहा है, लार्जर द थिकनेस ऑफ बेस। तो मैंने आपको बताया था बेस के बारे में, ये ऐसा बेस होता है बीच में, अगर हम पीएनपी की बात करें, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है पीएनपी, ये हमारा क्या हो गया बेस। तो जितनी बेस की थिकनेस बढ़ेगी उतना ही बेस का जो आईबी है उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो अब हमें इस बेस को किससे कनेक्ट करना है, अल्फा से कनेक्ट करना है। तो अल्फा की हमें पता है वैल्यू होती है आईसी बाय आईई, ठीक है। अब आई की वैल्यू होती है, आई हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो भी हमारी वैल्यू चेंज होती है वो किस किस की होगी, या तो आईसी की वैल्यू चेंज होगी या आईबी की वैल्यू चेंज होगी। तो अब देखिए अगर मेरी जो हमारी थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस जितनी बढ़ेगी, जितना इसका चौड़ापन बढ़ेगा उतनी आईबी की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब अगर आईबी की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू आईसी की वैल्यू घटेगी, क्योंकि अगर सोचो यहां पर एक इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू आपके पास 6 है, तो इसकी वैल्यू 4 होगी। अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे 2, क्या करेंगे, अगर इसकी वैल्यू मानो 6 होगी तो हमें इसकी वैल्यू फिर 4 रखनी पड़ेगी। मतलब जितनी आईबी की वैल्यू बढ़ाओगे उतनी आईसी की वैल्यू घटेगी। तो अगर हम यहां पर देखें इसमें, अगर आईसी की विड्थ बढ़ने से आईबी की वैल्यू बढ़ी है जिससे आईसी की वैल्यू कम हुई है, और अगर आईसी की वैल्यू कम होगी तो हमारी अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, हमारी स्मॉलर होती जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी वजह से यहां से हम 13 का आंसर दे देंगे ए, ठीक है। लार्जर द थिकनेस ऑफ बेस स्मॉलर द वैल्यू ऑफ अल्फा डीसी, ठीक है, समझ में आया, बेसिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज वोल्टेज बीई डिवाइडेड बाय आई एमिटर करंट एट कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, देखिए ये यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनपुट रेजिस्टेंस, और जो यहां पर आता है वो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और हमें पता है कि आर की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आई, ठीक है। तो ये इनपुट दे रखा है हमें, इनपुट में क्या दे रखा है, बी, मतलब इन दो के बी वोल्टेज दे रखी जो बी और ई के अक्रॉस है, अपॉन आई ई जो यहां पर करंट है आई ही। तो इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या होगी, जो हमारे आउटपुट के अक्रॉस होगी, ठीक है, कॉमन बेस में। तो इसलिए जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब वी सी भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे कॉमन होगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15 में क्या है, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इन अ ग्राफ ऑफ, ठीक है। अगर आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी उसमें जो ग्राफ होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस का मतलब जो उसमें बेस होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो मतलब ये बेस हो गया कॉमन, ठीक है। इनपुट हम यहां से देंगे एमिटर से, और आउटपुट हमें मिलेगा यहाँ पे कलेक्टर में, ठीक है, ऐसे बनके कलेक्टर, ये हो गया हमारा बेस। तो आउटपुट की बात करिए तो ऑब्वियसली हम आउटपुट वाली साइड में देखेंगे, तो यहां पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, वीबीसी, ठीक है। यहां पर जो वोल्टेज कनेक्ट होगी वो हमारी यहां पर होगी वीबीसी, और जो यहां पर करंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, आईसी। मतलब जो हमारा आउटपुट ग्राफ मिलेगा वो इन दो के बीच में मिलेगा। तो हम यहां पर देखेंगे कौन सा है, थर्ड वाला है, वीबीसी या वीसीबी डैश आईसी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 15th का सी क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, अगर आपको पीएन जंक्शन का बेसिक आपको आता है कि उसकी वर्किंग कैसे हो रही है, क्या क्या उसमें फंक्शन हो रहा है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। द वैल्यू ऑफ आर आई इन द कॉमन
एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, जब हम तीन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक पढ़ते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और एक पढ़ते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो इसका जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो हमें क्या कहता है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस ऑफर करवाता है। इनपुट में लो होता है, आउटपुट में क्या होता है, हाई होता है। तो जितना हम कॉमन बेस से कॉमन एमिटर में जाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और कॉमन एमिटर से कॉमन कलेक्टर में जाएंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। तो जो अभी हमारे हमसे पूछा गया है इन दोनों के बीच में, तो इसका जो कॉमन बेस का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारा 20 किलो ओम, ठीक है, सॉरी 20 ओम। और जो कॉमन एमिटर का होता है, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1 किलो ओम। तो 20 ओम और 1 किलो ओम में कौन सा बड़ा हुआ, कॉमन एमिटर का बड़ा हुआ, तो इसलिए द वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर क्या होगी, हमेशा हायर होगी। तो 16 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, हायर देन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इन द कट ऑफ रीजन आईसी। देखिए, कुछ वैल्यू आप में इसमें ऐसी होगी जो आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका सॉल्यूशन अगर मैं आपको यहां पर बताऊंगा तो 1 से 1.5 पेज के बीच का होगा, बट आपको जैसे कट ऑफ रीजन में, सेचुरेशन रीजन में, इसमें आईसी की वैल्यू क्या है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक वीडियो मैं उसमें बना दूंगा जिसमें मेन मेन जो पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है जो आईसी की वैल्यू होगी कट ऑफ रीजन में वो हमारी यहां पर कितनी हो जाएगी, वो हमारी यहां पर हो जाएगी 1 प्लस बीटा ICBO, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। सेवन क्वेश्चन में चलते हैं हम, नेक्स्ट है 18 है हमारे पास। द डैश कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर प्री एम्पलीफायर। प्री एम्पलीफायर, अगर हमें ट्रांजिस्टर को प्री एम्पलीफायर की तरह यूज करना है, मतलब ट्रांजिस्टर को हमें एम्पलीफायर से पहले यूज करना है, तो हमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी पड़ेगी, कॉमन बेस करनी है, कॉमन कलेक्टर करनी है या कॉमन एमिटर करनी है। तो देखिए, समझिए, तीन चीज आपको याद होनी चाहिए, एक कॉमन बेस होती है कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉमन एमिटर होती है और एक होती है कॉमन कलेक्टर। तीन कॉन्फ़िगरेशन है बेसिक। तो कॉमन बेस जो होती है ये इसका यूज होता है हमारा प्री एम्पलीफायर के लिए, जो एम्पलीफायर से पहले बजती है लगती है। सीई मतलब कॉमन एमिटर, इसका होता है हमारा एम्पलीफिकेशन के लिए, क्या होता है एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। और जो हमारी ये होती है सीसी मतलब कॉमन कलेक्टर, इसका यूज किया जाता है इम्पीडेंस मैचिंग, क्या के लिए यूज किया जाता है, इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक है। ये आपको तीनों पता होना चाहिए कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्री एम्पलीफायर मैंने बताया क्या होता है, कॉमन बेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमन, द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड एज प्री एम्पलीफायर। देखिए कितना इजी था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, द वैल्यू ऑफ वीबीई फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए वीबीई की क्या वैल्यू होगी, तो आपको पता होना चाहिए इस दो, जब भी हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हम दो डिवाइस यूज करते हैं, कौन कौन सी करते हैं, या तो वो किसकी बनी होगी, सिलिकॉन की बनी होगी, या तो वो किसकी बनी होगी, जर्मेनियम की बनी होगी, ठीक है, दो की बनी होगी। तो इसका कट ऑफ क्या होता है, 0.7 वोल्ट, और इसका क्या होता है, 0.3 वोल्ट। ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर सिलिकॉन का पूछा है, हो सकता है कि नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आपसे जर्मेनियम का पूछ दे, तो आपको उसका भी पता होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.3 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की जो एक्टिव रीजन में वीबी की वोल्टेज होती है, इसको हम एक तरीके से थ्रेशोल्ड वो भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7 वोल्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20, अ ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन इफ। कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जो कंडीशन हमें बता सकती है कि ये ट्रांजिस्टर एक सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। तो पहले ही बता चुका हूं मैं, सैचुरेशन रीजन का मतलब क्या हुआ, जहां भी सैचुरेशन रीजन आएगा तो इसका मतलब ये क्या होगा कि जो दोनों जंक्शन होते हैं, मतलब एक जो एमिटर बेस जंक्शन होता है और एक होता है कलेक्टर बेस जंक्शन, ये दोनों कौन से उसमें होंगे, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में होंगे। तो सैचुरेशन में क्या होता है, जो हमें आउटपुट में करंट मिलती है, जो हमें आउटपुट में करंट मिलती है वो कैसी मिलती है, मैक्सिमम,
और आउटपुट में हमें कौन सी करंट मिलती है, आईसी में आउटपुट मिलता है ना, कलेक्टर कलेक्ट करता है वो सब चीज, कलेक्टर में हमें आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पर जो आईसी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है, वो होती है आईसी बाय आईबी की जो होती है इससे बड़ा होगा, इनके रेशियो से बड़ा होती है हमारी बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको आपको याद रखना है, किसके लिए, फोर्स सैचुरेशन के लिए कंडीशन है, इसको आपको याद होनी चाहिए। तो अब इसी कंडीशन से देखो कौन सी कंडीशन, जो आपको तीन ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, पहला दूसरा या तीसरा। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आईसी बाय बीटा और ग्रेटर देन आईबी, और ये देखिए ये इक्वेशन हमारी कौन सी मैच कर रही है, बी वाली। बस इसने क्या करा है, जो ये कंडीशन थी इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दे दिया है। तो आपको ये बेस मेन कंडीशन याद होनी चाहिए, उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप अपनी इस इक्वेशन को आगे पीछे सेट करके देख सकते हैं कि ऑप्शन में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप एकदम कमेंट करके बताइए, दोबारा से आपको समझाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।